बैक टू ऑप्शंस फॉर टुमारो, आप सब लोगों का स्वागत है। आई होप सुबह की वीडियो में आपने जरूर देखा होगा जब सुबह हमने ऑप्शन चेन को एनालाइज किया निफ्टी में, और फिर निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, तीनों का एनालिसिस करके हमने जो एक रेजिस्टेंस जोन बनाया और एक सपोर्ट जोन बनाया, ये हमने मॉर्निंग में ही ड्रॉ किया था। आई होप आपने मॉर्निंग की वीडियो देखी होगी कि एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है 22,500 के पास। हमने ऑप्शन चेन के नंबर्स को एनालाइज करके चेंज इन वाई और ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाए थे। नीचे हमने सपोर्ट बनाया 22,400 के पास, क्योंकि 400 के पास एक अच्छी खासी पुट राइटिंग दिख रही थी, 500 पर एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग दिख रही थी। तो आई होप कि ये आपको हेल्प किया होगा। यहां से मार्केट ने सपोर्ट भी लिया तो काफी अच्छी तरीके से दोनों रेंज काम आए हैं। लेट्स सी मॉर्निंग में हमने किस तरीके से बात की थी। और ये मॉर्निंग की वीडियो अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि मॉर्निंग में आप ये वीडियो देखें। तो ऑप्शन चेन को एनालिसिस करके चेंज इन वाई और पुट राइटिंग, दोनों कॉल राइटिंग को देखते हुए मार्केट का आज रेंज क्या रहने वाला है, कि कितने पॉइंट्स के बीच में मार्केट पॉसिबली चांस है रिवॉल्व करने की, वो हम कैलकुलेट करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। और लेट्स सी इट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। का बहुत छोटा रेंज 400 से लेकर 500 जो नंबर फिलहाल बोल रहे हैं, वो नंबर 400 to 500। तो फिलहाल इन नंबर्स के चलते एक बार जरा निफ्टी का रेंज बनाने की कोशिश कर लेते हैं। तो के लेवल्स के पास एक सपोर्ट लाइन दिख रहा है, तो इस ध्यान रखिएगा। तो आई होप देखा आपने, ये ऑप्शन चेन को एनालाइज करके हमने मॉर्निंग में ही ड्रॉ किया था। ये मॉर्निंग 10 AM के आसपास का टाइम है, तो डेली हम मॉर्निंग में 10:20, 10:15 तक ये वीडियो करते हैं जिससे हम एक एस्टिमेट लगाने की कोशिश करते हैं कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के बिहाफ से, मीन सेलर्स के बिहाफ पे, सेलर के माइंड को रीड करते हुए कि सेलर मार्केट को किस तरफ ले जाना चाहता है, कितने पॉइंट्स के बीच में ले जाना चाहता है। जैसे कल भी हमने देखा था कि 50 पॉइंट्स का मैटर निकल के आ रहा था, और कल आपने देखा भी किस तरीके से मार्केट पूरा साइडवेज रहा, और आज 100 पॉइंट्स का एक मैटर निकल के आया, और 100 पॉइंट्स में काफी अच्छे तरीके से मार्केट ने रिवॉल्व भी किया, और एक एस्टिमेट मिल गया हमें कि हम इससे हमें फायदा क्या हुआ। ये हमें फायदा हुआ कि 400 से नीचे हम एक्सपेक्टेशन ना रखें कि मार्केट जाएगा, ये हमको एक अलर्ट मिल जाता है। कोशिश करें 22,500 के ऊपर ना जाएं, क्योंकि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। तो कुछ बाउंडेशंस, कुछ कंडीशंस नजर आ जाती हैं जो हेल्प करती हैं। अगर आपको लगे कि आपको हेल्प करेंगे तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि कल मॉर्निंग में आपसे ये वीडियो मिसना हो। फिर बात करते हैं निफ्टी की वनडे के चार्ट की। तो वनडे के चार्ट में लगातार मार्केट कोशिश कर रहा है, सपोर्ट लाइन आपको दिख रहा है, नीचे एक सपोर्ट लाइन है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा एक बुलिश पैटर्न बना है। अगर आप लोगों ने स्टडी किया होगा, आई होप, तो वनडे के चार्ट के ये बुलिश पैटर्न ने आपको बहुत अच्छा एक रिजल्ट दिया होगा। और ये सारे पैटर्न्स और सारे चार्ट पैटर्न, सारे सब कुछ मैंने आपको कॉम्बो कोर्स में भी स्टडी कराए हैं। अगर आपने स्टडी किया होगा, जिसने भी स्टडी किया होगा, ज्वाइन किया होगा, डाउनलोड किया होगा, तो आप लोगों ने जरूर स्टडी किया है। अगर किया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। बहुत कम रिस्पॉन्स आप लोग दे रहे हैं, वीडियोस के लाइक्स भी नहीं। सुबह आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन सारी दी, इस पर सिर्फ 109 लाइक्स हैं। आई डोंट नो क्या हो रहा है आप लोग को। कोशिश करें, अगर आपको लगे कि कोई पॉइंट अच्छा है तो जरूर लाइक करें। और तो फिलहाल मार्केट एक जो है छोटे से रेजिस्टेंस पॉइंट पर है। क्यों हम इस रेजिस्टेंस पॉइंट को बोल रहे हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई रह चुका है ये पॉइंट एक 22,500 का ऑलरेडी, एक राउंड नंबर, राउंड फिगर नंबर हम किसको बोलते हैं, जैसे 22,500, 21,000 या 22,000, 23,000, 23,500, 24,000, ये सारे राउंड नंबर्स हैं जहाँ पर ज़्यादातर सेलर्स का जो है इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और रही बात पॉसिबल चांसेस, बहुत सारे होंगे कि मार्केट पूरा कोशिश करेगा कि आपको 100 पॉइंट ऊपर लेकर एक बार जरूर जाए। क्या लॉजिक इसके पीछे, कि 100 पॉइंट अगर मार्केट 500 से 600 पॉइंट ऊपर लेके जाता है तो वो पूरी कोशिश करेगा, अगर उसे वापस नीचे आना है तो हम बात करेंगे, तो हो सकता है आपको रिजेक्शन 580, 590, 570 यहां कहीं दिखाई दे, जिससे कि कई सारे लोग हैं जो लोग भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, वो बड़े ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स को जानते हैं कि 500 के ऊपर मैक्सिमम बहुत सारे लोगों ने 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, 60 पॉइंट्स का, और बहुत जो गट रखते हैं उन्होंने 100 पॉइंट्स के आसपास के स्टॉप लॉस लगा रखे। तो मेन बड़े ऑपरेटर्स का मेन मकसद होता है आपके स्टॉप लॉसेस को हिट करना। सो पॉसिबल चांसेस, हो सकता है कि एक छोटा सा मूव हमें मिले अभी फिलहाल ऊपर, अगर इसे नीचे की तरफ कोई मूव लेना होगा तो पॉसिबल चांसेस थोड़े से भी फिलहाल कम है, इसलिए क्योंकि RSI देखें 60 के बिल्कुल करीब बैठा हुआ है, आज भी बिल्कुल फ्लैट रहा, क्योंकि सेम पोजीशन में मार्केट मूव करता हुआ नजर आया, कोई RSI में मूवमेंट में चेंज नजर नहीं आया
कि RSI अगर थोड़ा सा हमें ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखता तो थोड़ा बहुत हमें एड ऑन हो जाता एक प्रेशर जो है बाइंग की तरफ, मीन्स ऊपर के मूवमेंट की तरफ थोड़ा सा प्रेशर दिख जाता। सो लेट्स सी, होप कि 22,500 फिलहाल आज तो हमारे लिए एक कॉल राइटर रहा, मीन्स रेजिस्टेंस बना रहा। अगर ये रेजिस्टेंस कितने नंबर से बना रहा है एक बार ये देख लेते हैं कि क्या रहा आज का ऑप्शन चेन की क्लोजिंग। अरे बड़े नंबर्स अगर नहीं है और छोटे नंबर से तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि मार्केट पुट साइड शायद पुट राइटिंग बढ़ानी शुरू करे और जिससे कि हमें एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आए 22,500। लेकिन अगर नंबर कॉल राइटिंग की तरफ बड़े नंबर हो, बड़े नंबर मीन्स लैक्स में नंबर होंगे, तो फिर कहानी थोड़ी सी मुश्किल के साथ हो सकती है। 22,500 फिलहाल देखें तो 50,000 के नंबर के साथ जो है चेंज इन वाई में 2 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट के साथ 22,500 रेजिस्टेंस क्लोज गया और पुट राइटर्स बिल्कुल जीरो हो गए। तो और अगर हम पुट राइटर्स देखें भी, कोई अच्छा सपोर्ट भी देखें, तो कोई खास बड़ा सपोर्ट का नंबर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बढ़िया पोजिशन कोई पुट राइटर्स बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो मार्केट पूरा कोशिश कर रहा है रिवॉल्व करने की यही 3-4 पॉइंट्स में 22,400, 22,450, 22,500, 22,550। तो ये थोड़ा सा रेंज अभी स्क्वीज कर रखा है मार्केट। सो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कल मॉर्निंग का ऑप्शन चेन जरूर देखेंगे किस तरीके से बैंक निफ्टी के, क्योंकि हमें बैंक निफ्टी के, जैसे कि अगर आप आज बैंक निफ्टी का जब ऑप्शन चेन का नंबर देखोगे तो उसमें आपको नंबर छोटे दिखेंगे। ये थोड़े से बड़े इसलिए होने लगे क्योंकि कल एक्सपायरी है, कल हम देखेंगे तो कल और भी ज्यादा नंबर आपको 2 लाख 3 लाख के आसपास यहाँ पर चेंज इन वाई में नंबर दिखाई देंगे, तो वो ज्यादा हेल्प करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा सा क्लियरेंस ज्यादा नजर आता है। तो कल बैंक निफ्टी किस तरीके से निफ्टी पे भी इफेक्ट करता है, तो सुबह का ऑप्शन चेन 10:15 पे मिस मत करना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। निफ्टी ये फिर निफ्टी है ऑलमोस्ट, हमने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनाया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बनाया था, और इन केस अगर कोई प्रेशर सेलिंग का आता है तो नीचे एक सपोर्ट जोन बनाया था ऑप्शन चेन को देखकर। फिलहाल मार्केट इसी रेंज में रह गया, तो फिर निफ्टी का तो ऑलमोस्ट आज कंप्लीट हो गया चार्ट है। फिलहाल बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन बनाया था 47,700 पर। अगर आप देखें ऑप्शन चेन में भी देखें तो 47,700 पर एक अच्छा खासा सुबह हमें एक अच्छा कॉल राइटिंग दिखा था, फिर हमें सुबह यहाँ से एक रिजेक्शन भी मिला था, तो इसलिए ये एक रेजिस्टेंस के रूप में नजर आया। बीच में एक सपोर्ट हमने 47,500 के आसपास के नंबर पे भी बनाया था, और क्योंकि 47,500 पर मॉर्निंग में एक सपोर्ट दिखाई दे रहा था। फिलहाल इसके साथ अगर आप RSI को थोड़ा सा गौर करिएगा, यहाँ आपको एक लर्निंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप RSI देख रहे हैं लगातार डाउनसाइड मूवमेंट लेने की कोशिश कर रहा है प्राइस, सॉरी, और RSI यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक ऊपर की तरफ लेने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल अभी 60 के आसपास नहीं पहुंचा है, 5 मिनट्स के चार्ट है, तो ज़्यादा RSI इसमें हम फिलहाल कोशिश करें कि 70+ या 30 से नीचे रहे तो ज़्यादा क्लियरेंस हो। वनडे के चार्ट में देखते हैं बैंक निफ्टी को, वनडे के चार्ट में बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी के पास अभी भी रूम है, जो हम इस चीज को लेकर चल रहे हैं कि मार्केट कुछ इस तरीके से कुछ बिहेवियर, मैंने एरो ऊपर की तरफ इसलिए बनाया है क्योंकि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल है जिसमें ज्यादातर हमें ब्रेकआउट के चांसेस दिखते हैं, 90% चांस हमारे असेंडिंग ट्रायंगल के बुलिश रहने के होते हैं, तो इसलिए हम प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द चांसेस ऊपर की तरफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अगेन सेम पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सब कुछ आप कॉम्बो कोर्स के अंदर पढ़ सकते हैं, जो लोगों ने पढ़ रखा है तो वो लोग प्लीज एनालाइज करते रहिएगा साथ के साथ। तो यहाँ उस हिसाब से देखें तो थोड़ा सा भी एक गैप जो है रेजिस्टेंस जोन में पहुंचने के लिए थोड़ा सा गैप बैंक निफ्टी के पास है, मीन्स ऑलमोस्ट एक 500 to 600 पॉइंट्स अभी भी मार्केट के पास है इस रेंज में पहुंचने के लिए। RSI एग्जैक्टली 60 के पास है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी पर बड़े मूव्स अक्सर देखने को मिलते, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि एक्सपायरी पर मार्केट साइडवेज हो जाए। कोशिश पूरी कॉल सेलर करते हैं कि जो है साइडवेज रखें, बट कोई ना कोई तनाव रहता है मार्केट में बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन। खासकर एक्सपायरी पर एक बहुत स्पेशल वीडियो भी बना रखा है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं नीचे टेलीग्राम में जो है आज चैनल में शेयर कर दूंगा, आप लोग जरूर देखना। उसमें मैंने 4-5 एक्सपायरीज के चार्ट्स को एनालाइज करके कुछ 4-5 कॉमन पॉइंट्स निकाले हैं कि ये चीजें हमें जरूर देखने को मिलती हैं, उससे आपकी बहुत लर्निंग मिलेगी। तो नीचे कमेंट करना ऑप्शंस एक्सपायरी स्पेशल वीडियो, तो मैं उसको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, और वीडियो को लाइक जरूर करते रहना जिससे कि अच्छा लगेगा। फिलहाल मार्केट के पास अभी थोड़ा सा एक मूव बचा हुआ है, तो फिलहाल रेजिस्टेंस जो हम देखें 48,100 से लेके 200 के लिए फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस। अच्छा, आज मार्केट में 47,500 की जो हम बात कर रहे थे, अगर हम बैंक निफ्टी को देख रहे थे 47,500, तो फिलहाल
टाइट जोन है, सुबह एक अच्छा सपोर्ट था और अभी भी देखें तो कॉल राइटिंग हो चुकी है 53,000 के आसपास और पुट राइटिंग भी 54,000 के आसपास है। तो फिलहाल थोड़े नंबर हैं टाइट और 47,600 ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस बन चुका, आपने देखा मार्केट ऑलरेडी 47,600 के नीचे। तो यही सारी चीजें जब हम मॉर्निंग में एनालाइज करते हैं ऑप्शन चेन की तो वो हमें बहुत हेल्प करती है, तो सुबह की वीडियो जरूर देखिएगा। फिलहाल देखते हैं आज के कॉम्बो कोर्स स्टूडेंट्स ने क्या प्रॉफिट्स किए हैं। सुबह की ऑप्शन चेन वीडियो मैं आपको यहां पे शेयर कर देता हूं, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो भी लेवल्स रहते हैं वो मैं आपको यहां पे शेयर कर देता हूं। जैसे 22,715 निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के 2 अप्रैल था मार्केट ओपन होने से पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। और तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल फ्री है, कोई पेड टेलीग्राम चैनल मेरा नहीं है, कोई प्रीमियम ग्रुप नहीं है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। तो प्लीज़ फ्रॉड से बचिएगा, क्योंकि आपको पता है आजकल बहुत आसानी से लोग फेक अकाउंट्स बना लेते हैं और लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ अवॉइड करें, मेरा कोई पेड ग्रुप या प्रीमियम ग्रुप नहीं है, मैं कभी किसी को कोई टिप्स वगैरह नहीं देता हूं। ये जो आप प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देख रहे हैं सब कॉम्बो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। अगर आप चाहें तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई लिखकर भेज सकते हैं, या कोई मैसेज आपकी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। 1209 का एक स्कैल्पिंग ट्रेड है, इन्होंने अच्छा प्रॉफिट किया है। 17,200 का एक अच्छा प्रॉफिट है, सुबह का प्रॉफिट वेरी गुड। 165 का 4% का एक अच्छा प्रॉफिट है और निफ्टी ने कब कंप्लीट किया है हैंडल अभी बाकी, वेरी गुड। तो कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में इन्होंने थोड़ा एनालिसिस की है, तो 4-5 लोगों ने जिन्होंने भी जो किया है वो स्क्रीनशॉट मेरे पास आते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। बहुत सारे लोग अब नहीं शेयर करते स्क्रीनशॉट, कोई बात नहीं, जितने लोग भी शेयर करते हैं मैं आपको शेयर कर देता हूं। तो ये सारी चीजें लर्निंग, पूरी चार्ट की रीडिंग, पैटर्न्स, इंडिकेटर, सब कुछ एक ही जगह पे आप स्टडी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे पहुंच के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और 2499 के ऑफर प्राइस में इसको पूरा डाउनलोड कर सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सारी चीजें सीखेंगे तो ही कर पाएंगे, आप चीजें सीख कहीं भी सकते हैं। और ऐसा यहां पे नहीं, कहीं पे भी ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है कि वो चीज जान लेंगे तो ही चीजें हो, क्योंकि बहुत सारे 90% जो है वो आपका साइकोलॉजी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कितना ही नॉलेज हो, अगर आप अपने माइंड को, ग्रीड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो चीजें कोई काम नहीं करेंगी। तो ये है कि हाँ ठीक है, हमें कंट्रोल है तो हमें नॉलेज काम आएगा, नॉलेज आप यहाँ से ले सकते हैं, कैसे हम चार्ट्स को समझें, कैंडल्स को समझें, चार्ट पैटर्न्स वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे आप सारे टॉपिक्स देख सकते हैं, व्हाट इज ऑप्शंस एंड हाउ प्रॉफिट्स आर मेड, मॉड्यूल 1, टाइप्स ऑफ एक्सपायरीज, टाइप्स ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस, इंपॉर्टेंट ATM, ITM, OTM, ऑप्शन ग्रीक्स, चार्ट कैंडल रीडिंग, टेक्निकल रीडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, 17 टाइप ऑफ कैंडल एंड चार्ट पैटर्न्स, कैंडल पैटर्न्स अलग होते हैं, चार्ट पैटर्न्स अलग होते हैं, टॉप 5 इंडिकेटर्स एंड हाउ टू यूज देम, कौन से बेयरिश पैटर्न्स हैं, कौन से बुलिश पैटर्न्स हैं, और ट्रेडिंग साइकोलॉजीज पर भी बात की गई है, और सीक्रेट स्ट्रैटेजीज भी हैं कुछ इंडिकेटर पे बेस्ड, और भी तरीके की ट्रेडिंग सेटअप भी। तो अगर आपको लगता है कि ये सारे टॉपिक्स आपको आते हैं तो कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं लैग कर रहे हैं किसी नॉलेज में इन चीज़ों को लेकर, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफर प्राइस बटन पर क्लिक करना है आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जैसे वेबसाइट विजिट करेंगे आपके सामने ये ऑफर का प्राइस का ब्लू बटन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट का पेज आ जाएगा, जहां पे आप सिंपल अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल के पे बटन पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के सारे ऑप्शंस आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे। सो कोई भी प्रॉब्लम हो तो 7011292963 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर के अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, मैं आपको कभी भी कोई भी मैसेज या कॉल नहीं करता हूं। तो प्लीज बचें, इंस्टाग्राम पे भी बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, टेलीग्राम पे तो ऑलरेडी पता नहीं 20-25 फेक चैनल्स हैं, तो प्लीज़ फ्रॉड से बचिएगा। कोई भी चैनल कुछ भी करने से पहले आप इस नंबर पे मुझसे एक बार कंफर्म जरूर करिएगा, और इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मेरी कोई टीम नहीं, मैं ही आपको रिप्लाई करता हूँ। तो बेझिझक आप मुझे अपनी क्वेरी यहाँ पे भेज सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई चीज़ स्टडी कर रहे हैं नहीं समझ में आ रही, किसी टॉपिक से रिलेटेड, जस्ट क्वेरी, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मॉर्निंग की वीडियो देखने के लिए ऑप्शन चेन में मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।